हेलो, गुड इवनिंग. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स. सो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हम कौन से फ्रूट का कौन सा पार्ट खाते हैं. जैसे कि ये कुछ एक बेसिक डायग्राम बना हुआ है, तो पहले हम इसका देखेंगे कि हम कौन सा पार्ट खाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोकार्प, और मतलब उसकी जो स्किन होती है जिसे हम छिलका बोलते हैं. तो जो कि ज़्यादातर पार्ट जो ज़्यादातर फ्रूट्स का हम नहीं खाते हैं नॉर्मली देखा जाए तो. और ये जो पार्ट होता है ये होता है मीज़ोकार्प. जैसे जो मैंगो होता है उसका हम जो बीच का पार्ट खाते हैं उसको हम मीज़ोकार्प बोलते हैं, या फिर फ्लैशी मटेरियल भी बोलते हैं कुछ फ्रूट्स में, जैसे कि एप्पल, पियर वगैरह में. ठीक है, फिर आता है जो उसकी जैसे कि मैंगो की जो गुठली होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प. और उसके अंदर जो मिलता है, जैसे कि अगर उसको फोड़ते हैं कभी तो उसके अंदर एक सीड निकलती है, तो एंडोकार्प के अंदर जो होता है वो होती है सीड. तो फ्रूट्स के दो पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प और सीड. पेरिकार्प में तीन पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, मीज़ोकार्प और एंडोकार्प. ठीक है, तो जो एपिकार्प होता है वो आउटमोस्ट लेयर होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था. ये जो सबसे आउटर लेयर होती है जिसे हम एक्सोकार्प बोलते हैं, तो ये सबसे आउटमोस्ट लेयर होती है. फिर आता है मीज़ोकार्प. मीज़ोकार्प जो होता है वो मिडिल लेयर होती है जिसे फ्लैशी मटेरियल बोलते हैं, और ये ज़्यादातर फ्रूट्स का ईडेबल पोर्शन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया था. फिर आता है एंडोकार्प जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये पोर्शन जो कि इसके अंदर जो होता है वो सीड होती है. ठीक है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. तो जो कि हमारे दो टाइप्स के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट. तो ट्रू फ्रूट क्या होता है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी. जैसे कि जो डायरेक्ट फर्टिलाइज्ड ओवरी के थ्रू जो फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं ट्रू फ्रूट. इसके एग्जाम्पल होते हैं लेमन, मैंगो, ये सब ट्रू फ्रूट पे आते हैं. और फिर होता है फॉल्स फ्रूट. तो फॉल्स फ्रूट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द राइपन्ड ओवरी अलॉन्ग विथ सम अदर पार्ट्स. इसका मतलब ये है कि मतलब ये राइपन्ड ओवरी के थ्रू तो होता है, लेकिन जब फ्रूट बनता है ना तो उसमें और भी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब ये सिर्फ ओवरी के थ्रू नहीं होता, तो ये फॉल्स फ्रूट होता है. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बनाना, एप्पल और पियर. तो अब हम देखेंगे फ्रूट्स और उसके ईडेबल पार्ट्स. तो सबसे पहले है एप्पल, जिसका हम खाते हैं फ्लैशी थैलेमस. फिर है पियर. पियर का भी सेम है, एप्पल और पियर का सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, तो उन दोनों का सेम ही है, फ्लैशी थैलेमस. फिर आता है मैंगो. मैंगो का जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, जो बीच का जो मटेरियल होता है उसे बोलते हैं मीज़ोकार्प. तो मैंगो का क्या खाते हैं, मीज़ोकार्प. फिर आता है गुआवा. गुआवा का हम एंटायर फ्रूट खाते हैं. फिर आता है ग्रेप्स. ग्रेप्स का पेरिकार्प. फिर पपाया. पपाया का भी सेम जैसे मैंगो जैसे ही स्ट्रक्चर रहता है, तो उसकी सीड्स की जगह कुछ और स्ट्रक्चर रहता है, पर होता सेम ही है. अपन उसका मीज़ोकार्प भी खाते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है. फिर है कोकोनट. कोकोनट का हम खाते हैं एंडोस्पर्म. फिर है टोमेटो. टोमेटो का हम खाते हैं पेरिकार्प. फिर है बनाना. बनाना का भी सेम एंडोकार्प और मीज़ोकार्प हम दोनों पार्ट खाते हैं बनाना का, सिर्फ उसकी जो आउटर लेयर होती है वो छोड़ के. फिर है वीट. वीट का जो पार्ट हम खाते हैं उसे बोलते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म. फिर आता है कैश्यू नट, उसका है कॉटिलेडन्स. फिर है ग्राम. ग्राम का है कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो. फिर है ग्राउंड नट. ग्राउंडनट का हम खाते हैं कॉटिलेडन्स. मलबेरी का हम एंटायर फ्रूट खाते हैं. और ऑरेंज का जो हेयर्स जैसे होते हैं उसे हम जूसी हेयर्स बोलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.